जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट स्कूल में। तो जो बच्चे अभी अभी जुड़े हमारे चैनल से, वो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक राज करते हैं अपनी डायनेस्टी में, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो उनका कज़न होता है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। 1351 से 1388 ये इनका टाइम पीरियड रहता है। अच्छा, माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठना नहीं चाह रहा था। कुछ नोबल्स थे जो ये चाहते थे कि फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठे। काफी उसको मनाया, तब जाके फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक को ये चीज बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि उस समय जो राजा की पोजीशन थी, जो सल्तनत की जो पोजीशन थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। सुल्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और नोबल्स उतने ही ज़्यादा मजबूत थे। तो फिरोज शाह तुगलक को एक चीज़ मालूम थी, अगर मेरे को दिल्ली की सल्तनत पर अच्छे खासे समय के लिए राज करना है तो मेरे को नोबल्स को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो नोबल्स को कंट्रोल में करने के लिए इसने क्या किया था, नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स शुरू कर दिया था लगाना। जजिया टैक्स एक तरीके का कर होता था जो कि नॉन मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम्स नहीं होते थे, उन पे लगाया जाता था। जब वो अपने किसी धार्मिक स्थल पे जाना होता था उनको, तो उनको ये कर पे करना होता था। तो नोबल्स को खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने और भी काम किए। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक था, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था आर्ट और आर्किटेक्चर को। तो उसने कुछ सिटीज़ नई नई बनवाई, नए नए शहर बनवाए, उसमें से एक था फिरोज़ाबाद, एक है फिरोजपुर, एक है हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद। तो ये 5 नए शहर बनवाने का नाम जो आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक का, जिसमें इसका जो फिरोज़ाबाद जो आप शहर देख रहे हैं, फिरोज़ाबाद शहर को काफ़ी शासकों ने खराब भी कर दिया, काफ़ी तोड़फोड़ मचा दी फिरोज़ाबाद में। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एग्रीकल्चर के लिए, पीसेंट्स के लिए भी काफ़ी काम किया। क्या काम किया, जो पीसेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, उनके लिए कैनाल्स खुदवाए ताकि एग्रीकल्चर उनका अच्छा हो सके, हॉस्पिटल्स खुलवाए आम जनता के लिए, रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस खुलवाए, इसके साथ साथ रिजर्वायर्स बनवाए और पुराने रिजर्वायर्स को सही भी करवाया। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, जब मैं आपको खिलजी डायनेस्टी बता रहा था, कि हौज खास नाम का रिजर्वायर बनवाया गया था। उस हौज खास के रिजर्वायर को रिपेयर कराने का काम भी किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। साथ में इन रिजर्वायर्स को बनाने के साथ साथ इसने काफी कुएं भी वहां पे खुदवाए थे ताकि किसानों को पानी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आ पाए। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, काफी आर्किटेक्चर पसंद था इसको, तो इसने अपने नाम का फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स हिसार में बनवाया 1354 में। और फिरोज शाह तुगलक, आपको मैंने जैसे पहले ही पॉइंट बताया था कि नोबल्स को खुश करना चाहता था, नोबल्स को खुश करने के लिए इसने नॉन मुस्लिम पे जजिया टैक्स लगाया, जितने भी नोबल्स थे उनकी सैलरी बढ़ा दी, जो इनको तनख्वाह दी जाती थी, हर महीने कुछ तनख्वाह दी जाती थी, उनकी तनख्वाह पर इजाफा करने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया था। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक क्या करता था, फिरोज शाह तुगलक आपके टैलेंट के ऊपर किसी को पोजीशन नहीं देता था। अगर नोबेल खत्म होता था तो नोबेल का जो लड़का होता था वो उसकी पोजीशन ले लेता था। आर्मी में कोई खत्म होता था तो जो भी खत्म होगा उस वो क्या करता था, अपने लड़के को आर्मी में भर्ती करवा सकता था, या तो अपने किसी स्लेव को अपने आर्मी में भर्ती करा सकता था। तो फिरोज शाह तुगलक टैलेंट के बेस पे पोजीशन नहीं देता था, फिरोज शाह तुगलक जो पोजीशन देता था वो पूरी की पूरे नोबल्स के ऊपर देता था, सैनिकों के ऊपर देता था, कि नोबल मरेगा तो नोबल का लड़का नोबल बनेगा, उस पोजीशन पे आएगा, कोई सैनिक मरेगा तो सैनिक का लड़का ही सैनिक में भर्ती होगा, सेना में भर्ती होगा। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज किया। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने जैसे ही गद्दी संभाली 1351 में, तो 3 जगह इसके खिलाफ काफी आवाज उठाई गई, बंगाल, गुजरात और रंगल। ये 3 छोटी छोटी प्रोविंसेस थीं जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ आवाज उठाई, खुद को अलग करने की मांग करी। ठीक, इसके साथ साथ क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही कलाकृति बड़ी मानता था, मतलब बहुत अच्छी लगती थी उसको, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बड़ा प्यार था उसको। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद, ये 5 नई सिटीज बनवाई थी, न्यू सिटीज।
तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिजार, जौनपुर और फतेहाबाद, ये 5 नई सिटीज का कंस्ट्रक्शन कराने वाले का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने काफी अच्छे काम भी किए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने आम जनता के लिए कैनाल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए। तो आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हौज खास एक रिजर्वायर था जिसको बनवाने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नए रिजर्वायर्स भी बनवाए और पुराने रिजर्वायर्स को रिपेयर भी करवाया, साथ में बहुत से कुएं भी खुदवाए ताकि एग्रीकल्चर में लोगों को यानी किसानों को काफ़ी दिक्कत ना आए पानी से रिलेटेड। तो ये सारे काम फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज में किए। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स बनवाया हिसार में 1354 ईस्वी में, 1354 ईस्वी में। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक सोचता था लोगों के बारे में, अपने राज्य के बारे में सोचता था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टैक्सेस बढ़ा दिए थे लोगों के ऊपर, फिरोज शाह तुगलक ने उन टैक्सेस को भी कम कर दिया ताकि जो जनता है वो उसके खिलाफ विद्रोह ना करे। तो देखते ही देखते ये सब काम इसने करा। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टैक्सेस बढ़ाए थे एग्रीकल्चर में, किसानों के ऊपर जो टैक्सेस बढ़ाए थे उनको घटा दिया था। साथ में उस समय किसी भी पनिशमेंट दी जाती थी काफ़ी हार्श दी जाती थी, लोगों के हाथ कटवा दिए जाते थे, इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने उन पनिशमेंट्स को भी ख़त्म करवाया था। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि बंगाल, गुजरात और वरंगल, ये 3 ऐसी प्रोविंसेस थी जो कि फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ खड़ी हुई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पे आक्रमण किया 1353 में और 1358 में। 1358 की जो लड़ाई थी इसने लगभग 11 महीने तक लड़ी और 11 महीने तक लड़ने के बाद 1359 के आसपास उसने बंगाल को अपने अंडर में वापस कर लिया। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर को भी काफी खराब कर दिया था। जगन्नाथ मंदिर पे काफी बार आक्रमण किया था जिसकी वजह से जगन्नाथ मंदिर को काफी तोड़ दिया था, खराब कर दिया था। बहुत ही गलत काम फिरोज शाह तुगलक ने उस समय किया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है उसको बहुत ही ज़्यादा करप्ट टाइम पीरियड माना गया है। पूरी डायनेस्टी में बहुत ही ज़्यादा करप्ट टाइम पीरियड किसका माना गया है? फिरोज शाह तुगलक का माना गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास से बताया था कुतुब मीनार के बारे में, जब मैं आप लोगों को स्लेव डायनेस्टी बता रहा था तो मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया, फिर उसको ख़त्म कराने का काम उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने किया। लेकिन 1368 ये एक ऐसा सन था जब कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर पड़ी थी। बिजली गिरने की वजह से जो ऊपर का जो माला था कुतुब मीनार का वो टूट गया था, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करा के कंप्लीट कराने का काम भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में किया था। इसके बाद 1376 आते आते फिरोज शाह तुगलक का जो एल्डरसन होता है वो खत्म हो जाता है, एल्डरसन की डेथ हो जाती है। और 1376 के बाद 1388 ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है, फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। तो 1388 से लेकर के 1398 का जो टाइम पीरियड रहा वो ज़्यादा खास नहीं रहा, क्योंकि उस समय फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी सक्सेसर्स उसके आए वो बहुत ज़्यादा ही वीक, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर निकले। और जो तुगलक डायनेस्टी का आखिरी वंशज था जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड, ठीक है, जिसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड, तो 1398 में गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड को भी हटा दिया जाता है उसकी गद्दी से और 1398 से नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है।
तो 1398 में ग्यासुद्दीन तुगलक सेकंड लास्ट रूलर होता है हमारे फिरोज शाह तुगलक के बाद। तुगलक डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर होता है वो होता है ग्यासुद्दीन तुगलक सेकंड। इसी टाइम पीरियड में तैमूर का इन्वेजन होता है। तैमूर सेंट्रल एशिया से आया हुआ एक सुल्तान होता है, एक राजा होता है। तो वो अपने इन्वेड के दौरान इंडिया पे जो आक्रमण करता है वो 1398 पे करता है। जब ये आक्रमण करता है तो यहीं से तुगलक डायनेस्टी और ज़्यादा कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इतने कॉम्पिटेंट राजा उनको मिल नहीं पाते। आखिरी राजा जो होता है ग्यासुद्दीन तुगलक सेकेंड, वो भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर राजा होता है। उसी समय क्या होता है 1398 में तैमूर का इन्वेजन हो जाता है। तैमूर क्या करता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है। दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद लगातार 8 दिनों तक दिल्ली पे चढ़ाई करता रहता है। और कहा जाता है कि तैमूर ने उस 8 दिन के आक्रमण में लगभग 1,00,000 लोगों को मार डाला था। लगभग 1,00,000 लोगों को 8 दिन की चढ़ाई में मार डाला था। तो तैमूर जब इन्वेड कर रहा था, इन्वेड करते करते 3 राज्य बंगाल, गुजरात और जौनपुर, ये 3 राज्य अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से, अपने आप को अलग कर लेते हैं। बंगाल, गुजरात और जौनपुर दिल्ली सल्तनत से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग सल्तनत बन जाती है। इसके साथ साथ खीजर खान जो कि गवर्नर होता है मुल्तान का, वो तैमूर की मदद से दिल्ली पे आक्रमण करता है और ग्यासुद्दीन तुगलक को हटा करके 1414 पे नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है और उस डायनेस्टी का नाम देता है सैयद डायनेस्टी। तो जैसे कि आज मैंने आप लोगों को फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया कि किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी पे गद्दी पे बैठता है और अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करता है, कौन कौन सी सिटीज बनवाता है और किस तरीके से हार्श पनिशमेंट को ख़त्म करता है, टैक्सेस को कम लेकर के आता है, नोबल्स को खुश करने के लिए जजिया टैक्स की शुरुआत करता है जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता है। तो इसके साथ साथ 1388 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो सक्सेसर्स आते हैं फिरोज शाह तुगलक के, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और उनकी मृत्यु के 10 साल बाद यानी 1398 में जो एकदम वीक रूलर है तुगलक डायनेस्टी का ग्यासुद्दीन तुगलक सेकेंड, वो इतना कमज़ोर होता है जो कि रेबिलियंस को और स्लेव्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उनको झेल नहीं पाता एक तरीके से। तो 1398 ईस्वी में तैमूर का इन्वेजन होता है। 8 दिन तक लगातार तैमूर दिल्ली पे आक्रमण करता है और लगभग 1,00,000 लोगों को मारता है, 1,00,000 लोगों को ख़त्म कर देता है। उसी के इन्वेजन के दौरान बंगाल, गुजरात और जौनपुर 3 प्रोविंसेस अपने आप को अलग अलग कर लेती हैं दिल्ली सल्तनत से और मुल्तान का जो गवर्नर होता है वो तैमूर की मदद से दिल्ली पे आक्रमण करता है और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है। उस डायनेस्टी का नाम होता है सैयद डायनेस्टी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सैयद डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा और सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी और किस तरीके से लोधी डायनेस्टी को ख़त्म करके मुगल वंश यानी मुगल डायनेस्टी किस तरीके से भारत में शुरू होती है बाबर की वजह से, तो ये सब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जिनको इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करिए। थैंक यू।